हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं लंदन के टूर पे हूँ और मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं ये आइकॉनिक लंदन ब्रिज है, लंदन टावर ब्रिज इसको कहते हैं। और इस ब्रिज को आज से 100 साल पहले बनाया गया था। इसको अपने कम्प्लीशन के 100 साल भी पूरे हो चुके हैं। और ये ब्रिज जब शिप बीच पे से गुजरते हैं तो ये ब्रेक भी हो जाता है। इसको आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो एक बिल्डिंग और आपको दिखाई दे रही है ये लंदन का सबसे बड़ी सबसे ऊँची बिल्डिंग है, ये देखिए। और इसको इस तरह से बनाया गया है कि जैसे कोई ग्लास हो और ग्लास का कोई टुकड़ा टूटा हुआ हो, उस प्रकार से बिल्डिंग का अपीयरेंस आता है। और अब आप देखिए तीसरी बिल्डिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस लोकेशन पे, ये एक म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम को पहले तो ये फोर्ट्रेस हुआ करता था, लेकिन अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। और इसमें हमारा इंडिया का ही कोहिनूर हीरा रखा हुआ है दोस्तों। तो आर्थ्रोस्कोपी भी दोस्तों लंदन की तरह, जैसे लंदन एक दुनिया का सबसे विकसित शहर है, इंग्लैंड एक विकसित देश है, उसी प्रकार से आर्थ्रोस्कोपी में नित नए डेवलपमेंट होते ही रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हमने यूज़ किया है वो ये कि ACL में जितना हो सके उतना मोटा ग्राफ्ट यूज़ करना। आप ACL सर्जरी में जितना मोटा ग्राफ्ट यूज़ करेंगे उसमें अंदर से किसी तरह के इंटरनल ब्रेस्ट को लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। और अगर मान लीजिए उसकी कोई दोबारा से इंजरी भी होती है तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। तो ये खास बात रहती है अगर आप 9 या 10 नंबर का ग्राफ्ट यूज़ करते हैं तो। दोस्तों इसके लिए कभी कभी हमें हैमस्ट्रिंग के अलावा साथ साथ पेरोनियस ग्राफ्ट भी लेना पड़ता है। और पेरोनियस ग्राफ्ट लेते हैं तो ये भी समझिए कि थोड़ा सा सूचर मटेरियल ये सब भी एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं। जगह ऐसी भी होती है दोस्तों यहाँ पे कि 7.5 या 8 नंबर का ग्राफ्ट यूज़ कर दिया जाता है, या फिर कई बार इससे भी पतला ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है और आर्टिफिशियल सपोर्ट लगा दिया जाता है टेप के रूप में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी आर्टिफिशियल सपोर्ट उतना मजबूत कर पाएगा जितना कि बॉडी का जो नेचुरल ग्राफ्ट कर पाएगा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है कि क्या आप लोग भी सजेस्ट करते हैं कि मोटा ग्राफ्ट यूज़ करना चाहिए या तो फिर आर्टिफिशियल सपोर्ट लगाना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लंदन में मैंने टूर को काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, आप वहाँ पे भी इन्हें देख सकते हैं। और कोहिनूर हीरे की भी उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन इंडिया को ये वापस मिल जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या कोहिनूर हमें वापस लाने के लिए एफ़र्ट करने चाहिए, और क्या अब तक जो एफ़र्ट किए वो सफिशिएंट है या कुछ और करने चाहिए, क्योंकि दिल बड़ा दुखता है कि इंडिया का हीरा है और अभी इंग्लैंड के अंदर है। तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, और आप एंजॉय रखिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए।